दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें दे रखा है साइन 60 प्लस कॉस 60 आपको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए आपको, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं टेबल। तो उसमें आपको याद होगा साइन 60 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है। अगर एक बार आप पुरानी वीडियो मेरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। हम जानते हैं √3/2 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, ठीक है, और 1/2 जो है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है। सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, साइन 60 प्लस कॉस 60। अब वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, दोनों जगह दोनों वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 प्लस 1/2। जब इसको आप ऐड करेंगे तो नीचे देखिए बेस आपका, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो उसको आप ऐसे रख देंगे 2। अब इसको एलसीएम जब आप लेंगे 2 हो गया, ऊपर क्या बचेगा √3 और यहाँ क्या 1, एज इट इज उतार देंगे आप, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वही आएगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें दे रखा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसका मान निकालना है आपको। तो इसका मान निकालने के लिए आपको, देखो फिर दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आपको टेबल याद कर लेना है या फिर सीख लेना कैसे निकालते हैं उसको। टेबल जहाँ जहाँ एंगल अगर आएगा 30 डिग्री 60 डिग्री, जहाँ जहाँ भी टेबल का यूज पड़ेगा, वैसे हर जगह आपको टेबल का यूज पड़ेगा। सिर्फ जो प्रूव करने वाले होते हैं क्वेश्चन, जिनको सिद्ध करने वाला होता है, उसमें आपको कहीं कहीं मिल जाता है टेबल का, बाकी आपको डायरेक्ट वही बिना यूज का ही हो जाएगा। तो आपको देखो लगाना कैसा है ये क्वेश्चन, इसमें दे दिया है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, इन चारों वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो देखो साइन 60, क्वेश्चन को अगर देखें, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब आपको पता है दोस्तों साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। आप टेबल से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई है, ये पॉइंट जो लगा इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसको ऐसे कर देंगे और बीच में क्या है, ये प्लस है। तो आप देखेंगे √3 का, √3 में जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट हट जाता है, वो 3 बन जाएगा, √3 × √3 जो करेंगे वो रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा। और नीचे क्या होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो गया, प्लस आपका ये क्या है, ऊपर 1 × 1 करेंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, 2 × 2 = 4। इसको जब ऐड करेंगे आप तो ये क्या आएगा, नीचे बेस सेम है डिनोमीटर सेम है, तो क्या होगा, ये 4 ही हो जाएगा, ऊपर क्या है 3 + 1, ये क्या आएगा 4/4, ये एक बार में गया तो आपका जो 1 आएगा यही क्या होगा, आपका जो 1 आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है कोई समकोण ट्रायंगल है, वो समकोण त्रिभुज ए बी सी, उसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री और ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर, एंगल सी क्या है 30 डिग्री, और जो भुजाएं हैं बी सी और ए सी उसका लंबाई ज्ञात करने को बोल दिया आपसे। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले देखो आप ट्रेंगल एक बना लेना है, एक त्रिभुज बना लेना है ए बी सी, जिसमें एंगल बी क्या हो 90 हो और एंगल सी क्या हो 30 डिग्री हो।
तो अगर हम ट्रेंगल बनाएंगे, मान लो ये ट्रेंगल हो गया, ठीक है, ये हो गया ट्रेंगल, ये हो गया बी यानी 90 डिग्री हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया ए। अब क्वेश्चन को जब देखेंगे आप, देखिए उसमें एंगल सी जो है, ये सी 30 डिग्री दे दिया है और यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया ए बी का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो दोस्तों लगाने का तरीका क्या है, अब देखो आपको साइड पूछ लिया, बी सी पूछ लिया और ए सी पूछ लिया, तो इसको लगाने का तरीका वही है। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री दे दिया, तो हम अगर यहाँ साइन थीटा निकालेंगे, साइन 30 अगर निकाल लीजिए, ठीक, या साइन 30 बोले या फिर साइन सी बोले, इसको जब निकालेंगे हम लोग साइन 30 डिग्री, तो ये क्या आएगा, लंब अपान कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन का वैल्यू। तो लंब कितना है यहाँ पे आपका, लंब कितना है यहाँ पे आपका, लंब है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू आप देख सकते हैं दोस्तों 5 है, और ए सी क्या है आपको पता करना है। और आपको एक चीज़ और पता होगा दोस्तों, जो साइन 30 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब देखो यहाँ से कितने चीज़ें हमको पता चल, कितने डेटा, 1/2 इज इक्वल टू 5/ ए सी लिख सकते हैं इसको, ए बी का वैल्यू 5 है। यहाँ से आप ए सी अगर पता करना चाहें तो ए सी पता हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 इधर हो जाएगा, ए सी एल एच एफ चला जाएगा 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए सी बराबर 5 × 2। तो ए सी जो आएगा वो आपको कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ये आया। अब ए सी आ गया, ए बी पता चल गया है, तो आपको वहाँ से बी सी पता चल सकता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम अगर लगाएं पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही लगेगा, ठीक है, जिसमें एक 90 डिग्री हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है ए सी कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। ए बी कितना है आपका, 5 का स्क्वायर हो गया। बी सी क्या है वही आपको पता करना है। अब देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 110 का अगर मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 आएगा, 5 का क्या आएगा, 25 हो जाएगा। और बी सी क्या है, बी सी एज इट इज वैसा ही रख देंगे आप, वही फाइंड करना हमको। अब देखो दोस्तों बी सी अगर इधर ही रखें, 25 को अगर 100 की तरफ ले गए, 100 माइनस 25, माइनस इसलिए हो गया क्योंकि प्लस है इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये अगर माइनस होता प्लस हो जाता। और यहाँ पे क्या है, बी सी का होल स्क्वायर, इसको देखेंगे अगर आप, तो ये आएगा आपका 75 इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, बी सी का, बात वही हुआ, यहाँ जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड जाके वो अंडर रूट बन जाता है, आपको पता है ये बात, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पचहत्तर हो जाएगा। 75 को जब हम तोड़ेंगे, 75 को जब हम तोड़ेंगे ऐसे, तो आप देखोगे कितना, 3 × 3 यानी 5 × 3 अंडर रूट में। अब जब स्क्वायर रूट है ये, तो यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा तो वो बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बी सी पता चल गया आपको, यहाँ से आपको ए सी पता चल गया, यही आपको फाइंड करना था। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी
जिसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, तथा भुजा ए बी जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको पता करना है एंगल बी ए सी और एंगल ए सी बी निकालना है, आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको देखो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको एक ट्रेंगल फॉर्म कर लेना है, एक ट्रेंगल बना लेना है ए बी सी का, जिसमें एंगल बी क्या हो 90 डिग्री हो। तो इसको बना लीजिए पहले, सबसे पहले मान लीजिए ये ट्रेंगल हो गया, हुआ थोड़ा ट्रेंगल गड़बड़ बन गया, लेकिन आप मान के चलिए वो 90 डिग्री है। ये बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको स्केल यूज करना है पेपर में, अदरवाइज आपको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें हम लोग, ए बी कितना है, ए बी दे दिया है आपका 3 सेंटीमीटर, ए सी दे दिया आपका कितना 6 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखो आप कर क्या लेना, ये वाली एंगल निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है ये वाली मान लीजिए थीटा डिग्री है, मान लीजिए ये थीटा डिग्री है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब अपान कर्ण, यही तो होता है लंब अपान कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे अगर देखें तो ए बी है, कर्ण क्या है ए सी है, ठीक है, लंब ए बी है और कर्ण क्या है ए सी है। अब ए बी का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, 3 से 6 अगर जाएगा दो बार में जाएगा, यानी ये क्या आएगा 1/2 आ गया। अब आपको पता है ये जो 1/2 है वो कितने का वैल्यू होता है साइन में, साइन के टेबल में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन के रेफरेंस में चल रहे हैं हम दोस्तों। तो यहाँ से साइन गया, बचा क्या एंगल जो आएगा थीटा जीरो कितना होगा 30 डिग्री, ये आपको पता चला। अब इसी एंगल को आप लोग ध्यान से देखिए लिख कैसे सकते हैं, एंगल ए सी बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल सी जो है वो थीटा डिग्री है। एंगल ए सी बी बराबर, इसी को आप एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। एक तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब आपका पूछा है दूसरा वाला क्वेश्चन, इसी में दूसरा पूछ लिया एंगल, एंगल बी ए सी यानी ये वाला पूछ लिया है, ठीक है, एंगल बी ए सी पूछ लिया है। तो इसको देखो निकालने के लिए क्या करना है आपको, आपको एक चीज़ पता है किसी भी ट्रेंगल में तीनों जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा ना। आपको पता है एंगल सी यहाँ कितना है थीटा डिग्री है, यानी थीटा डिग्री है जो कितना है 30 डिग्री, ये आपको पता करना है, ये आपको पता है 90 डिग्री है, ठीक है। अब जब इसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या होगा, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही होगा ना। यहाँ से एंगल ए जब निकलेगा तो ये दोनों ऐड हुआ कितना हो जाएगा 120 जब इक्वल टू राइट साइड में आएगा तो ये कितना आएगा माइनस होके 60 डिग्री, यानी एंगल ए जो है वो 60 डिग्री आ गया। ये 30 आया, ये आपका दोस्तों मैंने बस समझाने के लिए बस यहाँ पे थीटा डिग्री रख दिया है, बाकी आप इसको एंगल सी भी लग सकते हैं, एंगल सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि लोगों को अक्सर याद होता है थीटा के अकॉर्डिंग लोग याद करते हैं टेबल साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल सी का मतलब एंगल थीटा ही है, ठीक है। यहाँ पे आप सी भी रख सकते हैं, साइन सी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना आ गया, अब इसको लिख क्या सकते हैं आप, एंगल ए जो है एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी लिख सकते हैं, यानी
एंगल सी ए बी या एंगल बी ए बी ए सी बराबर कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। दोनों को इस तरह बोल सकते हैं, सी ए बी भी बोल सकते हैं, बी ए सी भी बोल सकते हैं, या एंगल ए भी बोल सकते हैं, बात वही होगा। ठीक है, तो ये आपका एक आ गया आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया सिद्ध करने के लिए, कॉस 60 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आप सिद्ध करेंगे, यानी LHS और RHS को आपको बराबर दिखाना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको बराबर दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कितना दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है आपका कॉस 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन को, ये LHS है और RHS में क्या दे दिया राइट हैंड साइड में आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री ये दे दिया है। देखो दोस्तों, सिद्ध तभी होगा जब LHS का वैल्यू जो होगा वो RHS के वैल्यू के बराबर होगा। जब ये कंडीशन आएगी तो ही आपका सिद्ध कहा जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखिए लगाते कैसे हैं। सबसे पहले आप LHS लिखिए, LHS इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू दोस्तों कितना होता है आपका 1/2। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, कॉस 60 वैल्यू 1/2 हो गया। अब देखो RHS में भी आपको सॉल्व करके 1/2 ही लाना है। जब आप ये 1/2 ला देंगे, जब दोस्तों आप 1/2 ला देंगे RHS में भी, तब वो क्वेश्चन आपका प्रूफ माना जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए RHS को पहले RHS यहाँ लिखते हैं, RHS इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो RHS 1/2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। अब आपको पता है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेबल अगर याद हो आपको तो साइन 30 वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 होता है। इस 1/2 को अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1-2 साइन, सॉरी ये नहीं होगा, 1-2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर यही होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1/4 यही आएगा ब्रैकेट का, जब स्क्वायर निकालेंगे तो 2 से 2 बार में गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 1-1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे 2-1/1/2 यानी 1/2 ही आएगा। अब देखिए RHS आपको 1/2 आ गया था, LHS 1/2 आ गया था, RHS 1/2 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो LHS है आपका, LHS है वो RHS के बराबर है। ठीक है, यानी आपका ये सिद्ध हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सिद्ध करना है। इसमें दे दिया है सेक अल्फा बराबर 5/4, तो आपको टेन अल्फा अपान 1+10² अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपान सेक अल्फा आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का वही आपका फंडा है, LHS का वैल्यू जो आएगा वो RHS के वैल्यू के बराबर आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सिद्ध माना जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन देखो, आपको दे दिया है साइन अल्फा बराबर 5/4, तो आपको बाकी का वैल्यू पता करना तभी तो आपका सिद्ध हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये कोई ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, अब एंगल अल्फा जो है वो इसको दे दिया है ये अल्फा। ठीक, और देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है सेक अल्फा इज इक्वल टू
फाइव बाई फोर, यही बोल दिया फाइव बाई फोर से अल्फा इक्वल टू। आपको पता है अगर टेबल याद हो तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं सेक अल्फा जो होती है वो कॉस अल्फा की जस्ट अपोजिट होती है, या फिर सेक का फार्मूला अगर पता हो तो आपको पता है सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर हमने बताया था कि कर्ण अपान आधार ये होता है, या सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो कर्ण कितना है पाँच और आधार कितना है चार, पता चल गया कर्ण पाँच और आधार चार है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, साइन थीटा निकालना है, सॉरी साइन अल्फा निकालना है, टेन अल्फा निकालना है, तो सबसे पहले आपको देखो दो साइड पता चल गया, एक बीसी निकाल दीजिए, बीसी निकालेंगे तभी तो टेन थीटा निकल पाएगा। तो बीसी निकालने के क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये सब दोस्तों होल स्क्वायर में है, कन्फ्यूजन में ना रहेगा। ठीक, अब ए सी कितना है यहाँ पे पाँच, ए बी कितना है चार, अब बी सी पता करना है आपको। ठीक है, अब बी सी दोस्तों आपको निकालने के लिए करना क्या है, पहले इसको स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 16, और ये बी सी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसको जब इधर ले जाएंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 इक्वल टू इधर जाएगा, इक्वल टू इधर तो क्या होगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन बना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9, यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा रूट 9, ये क्या हो जाता है बी सी रूट 9 है, यानी बी सी बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, बी सी बराबर 3 आ गया, यहाँ पे बी सी बराबर 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों आपको टेन अल्फा निकालना है। ठीक, टेन अल्फा आपका क्या होता है, लंब अपान आधार, यही होता है। लंब क्या है यहाँ पे BC है और आधार कितना है AB। ठीक है, BC कितना है यहाँ पे 3, आधार कितना है 4, यही 3/4 क्या हो गया आपका tan अल्फा पता चल गया। इसी तरह दोस्तों हमको sec अल्फा पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, sec अल्फा पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी sec अल्फा तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, यानी हमारा साइन अल्फा निकल गया। नहीं दोस्तों, अभी साइन अल्फा निकालना हमें, तो साइन अल्फा निकालने के लिए क्या होता है, साइन अल्फा जब निकालेंगे हम लोग, साइन अल्फा क्या होगा, लंब अपान कर्ण, लंब कितना है यहाँ पे बी सी, कर्ण कितना है आपका ए सी, बी सी कितना दे रखा है 3 आ गया हम निकालें अभी, और कर्ण कितना है 5, 3/5 जो है आपका क्या हो गया साइन अल्फा हो गया। अब देखो दोस्तों साइन पता चल गया, सेक पता चल गया, सेक क्वेश्चन में दे रखा है, टेन पता चल गया, अब आपको जो क्वेश्चन में दिया है ड्राइव करने के लिए, प्रूव करने के लिए, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आप LHS उठाइए, LHS जो है LHS सबसे पहले उठाइए, उसको सॉल्व करिए, LHS में कितना है टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, यही दे रखा है। अब टेन अल्फा की वैल्यू पता है आपको कितना 3/4 और नीचे क्या है 1 प्लस टेन अल्फा कितना है 3/4 का होल स्क्वायर, यही हुआ। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 रहा ऊपर, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 9/16
16 यही हुआ, इसको जब करेंगे 3/4 ये क्या हो जाएगा, ऊपर 16 यहाँ पर जाएगा, 16 प्लस 9/16 ठीक यही हुआ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 3/4, 16 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे रह जाएगा, आए समझ में। अब ये 4 से 16 गया 4 बार में, यानी कितना आया 12/25, 12/25 आया, ये आपका क्या आया LHS आया ठीक है। अब देखो दोस्तों RHS है, RHS को सॉल्व करते हैं, तो RHS को सॉल्व करने के लिए आप देखिए RHS में दे क्या रखा है, RHS में दे रखा है साइन अल्फा अपन सेक अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू पता है आपको कितना निकाले हम लोग, 3/5, और सेक अल्फा आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कितना है 5/4। अब इन दोनों को अगर RHS के फॉर्मेट में रखें तो कितना आएगा 3/5, 5/4 यही तो आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा 3 के पास, 3/4, 5/5 यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3×12/25। अब देखो दोस्तों RHS भी आपका 12/25 आ गया, तो हम कह सकते हैं LHS = RHS आपका प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है, इसमें आपको मान निकालना है, इसमें दे दिया है tan A = 2 और sec A into sin A + tan² A - cosec A, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले करना है क्या, आपको एक ट्रायंगल बना लेना है, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल है जिसमें ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया ठीक। अब आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है tan A = 2, आपको पता है जो tan A होगा वो कितना होता है sin A / cos A, ये पता है, और आपको ये भी पता है tan A = क्या होता है lambda / aadhar ठीक है। लंब कितना है आपका BC, आधार कितना है AB, वैल्यू कितना दे दिया है 2, इसका मतलब BC की वैल्यू कितना होगा 2 होगा, AB की जगह क्या होगा कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम लोग, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, नीचे ऊपर नहीं मान सकते, सिर्फ नीचे मान सकते हैं ठीक है। तो इसको अगर देखें हम लोग तो 2 कहाँ पे आएगा, BC की जगह यहाँ पे, 1 कहाँ आएगा यहाँ पे ठीक है। अब आपको AC निकाल लेना है ठीक है दोस्तों, AC निकालने के लिए करेंगे क्या आप वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप, तो AC निकालने के लिए क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है AC² = AB² + BC² यही तो कहता है पाइथागोरस प्रमेय। AB कितना है 1, BC कितना है 2, यानी 1+4 ये क्या आएगा 5, और जो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा ये, यानी AC की वैल्यू क्या आ गया रूट, AC की वैल्यू आ गया √5, तो आप यहाँ पे √5 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया फाइंड करने के लिए, sec A into sin A + tan² A - cosec A, तो यहाँ पे sec A आपको निकाल लेना है, एक sin A निकाल लेना है, tan A आपको दिया ही है क्वेश्चन में, cosec A निकाल लेना, इन तीनों को निकाल लेंगे तो आपका
मान निकल आएगा सबका, ठीक है। तो साइन ए होता क्या है, आपको पता है साइन ए क्या होता है? लंब अपान कर्ण, ठीक है, यही एंगल ए है। साइन ए बराबर क्या होगा? लंब अपान कर्ण। लंब कितना है आपका? बी सी। अपान कर्ण कितना है? ए सी। यानी बी सी की वैल्यू कितना है? बी सी अगर देखेंगे तो 2 है, और कर्ण कितना है? रूट 5। ये आ गया आपका साइन ए। इसी तरह निकालेंगे कॉसेक ए, इसी तरह निकालेंगे कॉसेक ए। कॉसेक ए निकालने के लिए, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है आपका? जस्ट साइन ए का उल्टा ही तो होता है, हमने बताया है। कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1 अपान साइन ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है? तो 2 अपान रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 5 रूट 5 ऊपर चला जाएगा, रूट 5 अपान 2। ये आ गया आपका एक कॉसेक ए। साइन ए आपका आ ही गया, आपका क्वेश्चन में दे ही दिया है। टेन ए क्या होता है? टेन ए आपका इतना होता है। बस बचा क्या आपका? सेक ए। सेक ए दोस्तों देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। सेक ए क्या हो जाएगा? कॉस ए का जस्ट अपोजिट, या फिर अगर फार्मूला अगर याद हो तो सेक ए क्या होता है? कर्ण अपान आधार। सेक ए क्या होता है? सेक ए यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण अपान आधार। कर्ण कितना है आपका? कर्ण कितना है यहाँ देखें? रूट 5। आधार कितना है? 1। यानी आपका ये चारों अब पता चल गया, ये और टेन ए पता चल गया। अब आप क्वेश्चन में जो दे दिया उसमें वैल्यू पुट करेंगे जब, तो कितना आएगा? क्वेश्चन क्या है? सेक ए इंटू साइन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। अब सेक ए की वैल्यू कितना है? इतना है, यानी रूट 5 अपान 1 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है? 2 अपान रूट 5 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो उसको स्क्वायर में लिखना है। माइनस कॉसेक ए की वैल्यू कितनी है? रूट 5/2 हुआ। अब यहाँ से जब देखेंगे आप तो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से रूट 5 और रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना? 2 अपॉन 1 प्लस ये 2 स्क्वायर क्या है? 4 हो जाएगा। ये क्या है? अब 1 का होना ना होना नीचे कोई मतलब है नहीं, तो इसको क्या रखते हैं? रख सकते हैं 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस रूट 5/2 आएगा, यही आएगा, 6 माइनस रूट 5/2 आएगा। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे आप, एलसीएम लेंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा ये? नीचे एलसीएम लेंगे जब तो क्या हो जाएगा ये? देखिए नीचे जब एलसीएम लेंगे ये आया 6 माइनस रूट 5/2 है। एलसीएम जब लेंगे हम लोग नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर यहाँ क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 6 में, तो ये क्या हो जाएगा? 12 हुआ माइनस रूट 5। 12 माइनस रूट 5/2 यही आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया।